हेलो चिल्ड्रन, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस यस माय स्टैंडर्ड 3 जैम्स, ऑल आर वेल। अच्छे हो ना बेटा? हाउ इज़ यू ऑल एंड हाउ इज़ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, ऑल? यस, ऑल योर फैमिली मेम्बर्स? यस, अच्छे हो ना बेटा सब लोग? ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर। ओके, नाउ अगेन वेलकम्स यू ऑल विजय सर्स मैथ्स मैजिक क्लास। देखो बेटा, सी दिस ऑल द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग वन गेम। यस यस यस, गेम खेल रहे हैं ना, तो हम लोग भी गेम देखेंगे, ठीक है? ये कौन सी गेम खेले वो भी हम लोग देखेंगे। तो बेटा, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तबीयत ये। देख बेटा, देखो मुझे आप लोग से कुछ बात करनी थी। द थिंग्स दैट कि आप लोग ने यूनिट टेस्ट के जो पेपर दिए ना, वो किसी किसी बच्चे ने मतलब सबमिट नहीं करवाया। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट योर यूनिट टेस्ट पेपर विद द आंसर्स, ओके? एंड स्टूडेंट्स हैव टू राइट आंसर्स इन द क्वेश्चन पेपर, ओके? जो मतलब प्रिंट आउट निकालनी है ना, वो जो PDF आपको क्वेश्चन पेपर दिया है ना बेटा, उसी के अंदर आप लोग आंसर लिखो और फिर वो पेपर सबमिट करवाओ, ओके? एंड नोटबुक बुक भी चेक नहीं करवाइए। मैंने कोई कोई चीज़ नोटबुक के अंदर बोला था लिखने का, वो भी आप लोगों ने नहीं लिखा। दैट इज़ द बैड थिंग, ओके? इसका मतलब कि आप लोग वीडियोज़ देखते नहीं हो बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ओके? सो अब जब भी आप लोग नेक्स्ट सेशन में आओ ना, तो टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, हाँ देखो याद है, मैंने वर्कबुक भी PDF बनाई है। वर्कबुक PDF मतलब फर्स्ट और सेकंड लेसन जो है ना, ये दोनों का मैंने अच्छे से फ़ोटोज़ खींचे, फिर उसकी फ़ाइल बनाई है और वो मैंने भेजी आपको। अब पॉकेट स्टडी के अंदर देखना, फाइल आ गई होगी। तो आपका कुछ कुछ क्वेश्चंस बाकी हो ना, आंसर्स लिखने का बाकी हो ना, तो आप लोग वो फाइल ओपन करना, उसमें से देख के भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन सारा देख देख के नहीं लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड फील द आंसर्स योरसेल्फ, ओके? यानी आप लोग को खुद पहले करना है। और मानो कोई क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है ना, तो वो बुक में वो PDF फाइल है ना, उसको मोबाइल में ओपन करना, फिर उसमें से देख के कर सकते हो, ओके? और मानो नहीं, और लिखने के बाद फिर उसका आंसर मैच भी करना कि सर ने जो भेजा है वो मैंने करेक्ट लिखा है कि डिफरेंट है, उसके जैसा है कि नहीं, वो भी आपको देखना है, ओके? तो चलो आज हम लोग हमारा एक जो नेक्स्ट है ना टॉपिक, वो स्टार्ट करते हैं। सी, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? यस, ये मैंने आपको फटाक लेके जो बचता है ना क्लैपर, वो बताया था ना, फिर इसको कलर करने के लिए बोला था, आपने सारे कलर्स फिल किए इसके अंदर, ओके? इसके हिसाब से करना है, ओके? तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, देखो ये, नाउ अंदर ध्यान देना बेटा, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। मैंने आपको है ना डेफिनेशन समझाई थी ना, नोटबुक में लिखा आपने सबने, ट्राइंगल किसको बोलते हैं, सर्कल किसको, हाँ सर्कल के बारे में लिखवाने का बाकी है ना, तो ठीक है उसको मैं लिखवा दूंगा। आप एक पेज छोड़ देना, ठीक है? आज मैं जो भी लिखने को बोलूँ ना, आपने सबसे पहले ट्राइंगल लिखा होगा, फिर स्क्वायर और फिर रेक्टेंगल का लिखा है ना डेफिनेशन और उसके बारे में। तो अभी सर्कल का लिखना, सर्कल के लिए पूरा एक पेज छोड़ देना, मैं उसके अंदर लिखवाऊंगा सर्कल के बारे में, ठीक है? चलो अब ये आया ट्राइंगल। तो हम लोग को ट्राइंगल पता है ना क्या होता है, 3 साइड्स होती है, राइट? 3 साइड्स होती है ना, ओके? और कॉर्नर्स भी कितने होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स पता है ना किसको बोलते हैं कि नहीं पता? मैंने बताया था ना, 4 साइड्स हैं। अच्छा, तो देखो बेटा, ये आप देखोगे ना ये फिगर, तो इसके अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो है ना पूरा एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर एक छोटा और एक स्क्वायर। हमको तो लेकिन क्या पूछा है, ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स इन द फिगर। तो देखो ध्यान से देखना, मैं इसके अंदर काउंट कर रहा हूँ, आपको नहीं पता चलेगा। देखो यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे ना, ओके? देखो आप सोच भी नहीं सकते, आप लोग क्या करोगे पता है? देखो सर, हमको पता है कितने ट्राइंगल है, 1, 2, 3, 4। देखो ये ट्राइंगल है कि नहीं, ये ट्राइंगल है ना, तो आप लोग कैसे काउंट करोगे पता है? अब मैं जो बताने वाला हूँ वो आपके माइंड के अंदर आप सोचने वाले भी नहीं होंगे, मुझे पता है, ओके? चलो अच्छी बात है, आप लोग मेरे से भी ज़्यादा एकदम होशियार बन जाओगे, एकदम इंटेलिजेंट, क्लेवर, ओके? देखो 1, 2, 3, 4, 4, 4 और 1, 5, 6, 7, 8। आप लोग बोलोगे सर 8 ट्राइंगल है, बट योर आंसर इज रॉन्ग, 8 नहीं है। फिर से बोलूँ मैं, देखो आप लोग ऐसे काउंट करोगे 1, 2, सर ये पूरा है ना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सर 8 तो है, अच्छा 8 है ना। अब मैं बताऊँ, देखो मैं गिन रहा हूँ, देखो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद ये हो गया 5, then 6 and 7 and 8, 8 हो गया। 8 के बाद ये बड़ा सा ट्राइंगल है, देखो मेरी पेंसिल जहाँ मूव हो रही है ना, 8 के बाद ये क्या हो गया, 9 के बाद देखो यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों को मैच मतलब जॉइंट करेंगे ना, तो देखो ये बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है,
9 के बाद कितना हो गया 10, हो गया 10 ट्राइंगल्स। फिर इधर भी देखो, दोनों को मैच करो, 10 के बाद ये हो गया 11, ये हो गया 11, और ये दोनों एक साथ ले लो, 11 के बाद ये हो गया 12, कितने ट्राइंगल्स हो गए 12 ट्राइंगल्स। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो इसमें कितने ट्राइंगल्स है 12, ओके। आप लोग को लिखना है 12 ट्राइंगल्स, ऐसा पूरा लिखना है, तो आप लोग रॉन्ग हो गए ना, 8 नहीं है। चलो इसके अंदर कितने होंगे कौन बताएगा मुझे? यस, गेस कर सकते हो, मुझे तो पता है इसके अंदर कितने, पता है मीन्स के अभी काउंट करेंगे तो पता चलेगा ना। चलो अच्छा देखते हैं, देखो सबसे पहले छोटे छोटे ट्राइंगल, देखो ये हो गया, ये 1 है ना, ये 1 2, देखो ये ट्राइंगल है कि नहीं, है ना ट्राइंगल ये वाला। फिर ये भी मेरी पेंसिल बेटा, देखो आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो वीडियो के अंदर, इधर उधर कहीं भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये वीडियो में नहीं पता चलेगा, ओके। देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, ये हो गया ये 1, देन ये हो गया 2, फिर ये वाला 3 है ना, देखो यहाँ से ऐसे पेंसिल मूव रही, ये 3 और ये हो गया 4, तो 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स। 4 के बाद इसी के अंदर बड़े बड़े, देखो 4 के बाद ये हो गया ये, अच्छा इसी के अंदर पहले देखो 4 के बाद ये बड़ा सा ट्राइंगल, देखो 4, ये देखो मेरी पेंसिल, ये दोनों को साथ में ले लो, 4 के बाद ये यहाँ से ऐसे स्ट्रेट सीधा 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 ऐसे, ये बड़ा सा ट्राइंगल, तो 5, फिर उसी तरह नीचे ये दोनों को ले लो, 5 के बाद ये 6 होगा, देखो ये सीधा हो, फिर ऐसे जाओ, फिर यहाँ से टर्न ले लो, तो ये बड़ा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया 7, सॉरी 1 2 3 4, 4 के बाद ये हो गया ये 5 और ये हो गया 6 हो गए। आप देखना 6 के बाद, अभी इसी के अंदर हम लोग, 6 के बाद ये बड़ा ट्राइंगल, देखो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो 7 हो गया, ये दोनों को साथ में ले लिया ऐसे एंड ऐसे, तो हो गया ना 7, देन ये दोनों साथ में ले लो, ये दोनों देखो ये बड़ा सा ट्राइंगल है, 8 हो गया, 8 ट्राइंगल। चलो इसकी बारी ख़त्म हो गई, 8 के बाद ये बड़ा सा है, 8 के बाद ये 9, फिर ये उससे उल्टा है, 9 के बाद ये 10, तो 10 तो हो गए, 10 के बाद ये बड़ा सा है, देखो यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, 10 के बाद ये 11, 11 के बाद यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये हो गया 12, सर 12 ही है ना, अभी देखो ये हो गया, ये दोनों को ले लिया, तो टोटल कितने हो गए 12, तो हो ही गए ऑलरेडी, अभी भी मुझे तो दिख रहा है ट्राइंगल इसके अंदर, आप लोगों को दिख रहा है? बोलो जल्दी कौन बताएगा? यस मुझे तो 12 दिख गए इसके अंदर, आप लोगों को दिख रहा है? नहीं श्योर? मैं बताऊं जल्दी से? आप लोग बता दो तो फिर मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बता रहे हो? अब देखो मैं बता रहा हूँ, टैन टन इंच, ये बड़ा सा है, ऐसे करते 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 नीचे आओ, फिर ऐसे सीधे 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 यहाँ पे जाओ, और ये सीधा, ये सीधा, फिर से बोलूँ, देखो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे करके ऐसे, मेरी पेंसिल कहाँ मूव हो रही है? कितना हो गया 13 हो गया, अभी भी और एक दिख रहा है मुझे, तो 13 के बाद 14, बताओ मैं, देखो नीचे अब यहाँ से ले लो, यहाँ से ये सीधा, फिर ये नीचे, फिर ये सीधा इधर स्ट्रेट, और फिर ऐसे, देखो फिर से मैसेज पेंसिल मूव हो रही है, स्ट्रेट देन अगेन स्ट्रेट, देन यहाँ से टर्न लोगे ना, अगेन स्ट्रेट देन यहाँ पे, हो गया ना 14, कितने हो गए टोटल 14 ट्राइंगल्स। अभी और भी दिख रहा है, चलो मैं देख रहा हूँ, 14, ये तो समोसा दिख रहा है ना, मन कर रहा है ना खाने को, ये टोटल 14 बेटा, तो इसमें हमने फाइनल किया, ये कर दिया 14, ओके ये 13 नहीं है, ठीक है ना, 14 ट्राइंगल्स इसमें। चलो इसमें कितना, ये तो बहुत सिंपल है, पता चला है ना आपको? चलो यहाँ पे बेटा बी कॉन्सेंट्रेट, हाँ ओके। तो सबसे पहले जो जितने भी छोटे छोटे दिख रहे हैं सबको देख ले, देखो 1 2, नहीं ये देखो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 9 के बाद ये बड़ा सा ट्राइंगल है, देखो बड़ा सा, 9 के बाद ये क्या हो गया 10 हो गया, 10 के बाद ये बड़ा, देखो नीचे नीचे, देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ऐसे सीधा ऐसे, और फिर यहाँ से टर्न ले लिया ये इस तरह से, दिख रहा है सबको? ये देखो ये, ठीक है, कितना हो गया 10 के बाद 11,
11 हुआ ना, नहीं फिर से मैं भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ये हो गया 10, 10 के बाद ये हो गया 11, 11, 11 के बाद बेटा अब हाँ ये रहा देखो 11 के, ये मेरे पेन से देखो 11, देन ये बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है 11 के, देन 12, कितने हो गए 12 ट्राइंगल्स, 12 हो गया। और 12 एक और भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे 12, देन आई थिंक 12 लग रहा है ना इसके अंदर, फिर से एक बार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद ये बड़ा सा है, 9 के बाद 10, 10 के बाद ये हो गया 11, 11 के बाद ये है 12, सोचो बेटा, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, एक मेन है वो तो हमने देखा ही नहीं, टोटल कितने हैं 12 ना, ये खुद भी तो सबसे बड़ा ट्रायंगल है ना, सबसे बड़ा ट्रायंगल खुद, ये खुद सबसे बड़ा ट्रायंगल, तो कितने हो गए इसमें 13, यहाँ पे लिख देते हैं 13, आप लोगों को पीछे वर्ड यूज़ करना है 13, फिर क्या लिखना है पीछे ट्रायंगल्स, 14 फिर पीछे क्या लिखना है ट्रायंगल्स, 12 फिर यहाँ पे क्या लिखना है ट्रायंगल्स, ओके। एक काम करो देखो इसका आंसर मैं बताऊँ कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे ऊपर नहीं लिखना है, मैं बता देता हूँ, सी यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये है ना इसका लिख दो यहाँ पे 12 ट्रायंगल्स, इसमें कितने थे 14, तो इसके नीचे लिख दो बिल्कुल नीचे 14 ट्रायंगल्स, और इसमें कितने निकले 13 ट्रायंगल्स, चलो मैंने लिख ही दिया। चलो अब एक मस्त मजे का टॉपिक है, फन है इसके अंदर, मैजिक है मैजिक, देखो ये वाला क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो। अच्छा ये जो फिगर है ना कुछ अजीबो गरीब फिगर दिया है ना बेटा, ये देखो ये कैसा लिखा पता है, बेटा रिमोट में होता है ना टीवी की रिमोट में, इसमें प्ले का बटन था प्ले, हम लोग वीडियो प्ले करते हैं मोबाइल के अंदर भी, तो पता है ऐसा आता है इसको दबाएंगे ना तो वीडियो ऐसे ऐसे बैकवर्ड जाती है, बैकवर्ड बैकवर्ड यानी पीछे, मानो हमने 5 मिनट्स का वीडियो देख लिया है फिर इसको दबाएंगे ना तो फिर से जीरो पे आ जाएगी या तो फिर एक एक मिनट आगे जाएगी, बैकवर्ड दिख रहा है ना इसके देखने में, ये कुछ अजीब सा शेप है ना, और ये भी कुछ अजीब लग रहा है ना ये, चलो हमको तो भले जैसा भी शेप दिया हमको तो क्या फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल, देखो इसके अंदर दिया है हमको एक एग्जांपल दिया ना, देखो ये शेप के अंदर सबसे बड़ा ये रेक्टेंगल है कि नहीं, चलो इसके अंदर सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा है, क्योंकि तो मुझे तो इजीली पता चल गया। देखो बेटा इसको है ना आप लोग को स्केल यूज़ करनी है, मैंने काफ़ी पेरेंट्स को भी बोला था ओके ऐसी कोई चीज़ हो ना उसके अंदर स्केल यूज़ किया करो, देखो बिना स्केल यूज़ किए आप लोग ये हाथ से ड्रॉ करोगे ना तो मैं ये नोटबुक के अंदर है ना ऐसे क्रॉस कर दूंगा, साइन नहीं करूंगा, सॉरी नोटबुक एंड ऑल्सो टेक्स्ट बुक, ये भी मुझे आपको वीडियो में आज बोलना था कि यूनिट पेपर टेस्ट है उसके प्रिंट निकाल के उसी के आंसर लिखो, दूसरी बात कि टेक्स्ट बुक के अंदर कहाँ और नोटबुक में जहाँ जहाँ आपको स्केल यूज़ करनी है तो उसको वहाँ पे स्केल यूज़ किया करो बराबर, ये फिगर्स है ये शेप से इसके अंदर ना हैंड ड्राइंग नहीं चलता है। तो देखो इसके अंदर मुझे सबसे बड़ा रेक्टेंगल दिख गया, देखो ये रहा दिख रहा है ये रहा, ये मेरी पेंसिल जहाँ मूव हो रही है ना मेरी पेंसिल, देखो ये लास्ट फिर ये ऐसे और ये ऐसे, आप लोग इसी के ऊपर है ना अच्छे से पेन से या फिर कलर से कर देना, हो गया ना बड़ा सा रेक्टेंगल। चलो इसके अंदर बड़ा सा रेक्टेंगल देखो, चलो मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ से ऐसे ऐसे, नहीं तो छोटा लग रहा है, इसको ऐसे करके ऐसे करूँ, नहीं ये भी छोटा, हाँ ये बड़ा है, देखो ये कि मेरी यहाँ पेंसिल मूव हो रही है ना, देखो ये मैं डार्क इसलिए बना ताकि आपको पता चले, आप लोग को बिल्कुल लाइन के ऊपर करना है, मैंने भले थोड़ा ऊपर किया है ताकि ये डार्क पेंसिल है ना बेटा मेरे पास, इसलिए आप लोग को बिल्कुल लाइन के ऊपर अच्छे से ड्रॉ करना है, पेंसिल या फिर पेन से भी कर सकते हो, फिर देखो ये दिख रहा है ये रेक्टेंगल, ये लाइन फिर एक ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन बराबर, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं पेंसिल से कर रहा हूँ वो भी हैंड ड्राइंग, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ स्केल बिकॉज बेटा मुझे अभी आपको वीडियो पढ़ाना है ओके। आप लोग बिल्कुल लाइन के ऊपर पेन या फिर कलर ले लेना, ऐसा रेड कलर ले लेना बच, अच्छा सा स्केच पेन यूज़ करना स्केच पेन। देखो ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल है ये वाले फिगर के अंदर, ये तो बहुत ईजी है, कौन बताएगा, अच्छा ये वाला ऐसे करके ऐसे, तो बेटा अब आप कन्फ्यूज़ हो जाए तो पहले इसके स्क्वायर्स काउंट कर लो, देखो छोटे छोटे स्क्वायर है ना, देखो ये कितने बताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
अब ये सोच रहे हो ना, ये वाला ऐसे सोच रहे हो, सर ये बड़ा सा रेक्टेंगल है, ठीक है हम लोग स्क्वायर काउंट करते हैं। पहले देखो 1 2 3, थ्री है ना, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27, 20, ये टोटल 27 स्क्वायर है। ओके अब ये मुझे तो ये लग रहा है, देखते हैं इसमें 27 हो रहे हैं ना, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 3 3 है, 9 3 जा 27। ओके अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन है, तो 4 और 7 4 7 जा कितना 28 होगा, और ये कितना हो रहा है 27 हुआ, और ये कितना हो रहा है 28, तो ये ज़्यादा हुआ ना, ये बड़ा हुआ ना, तो हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला स्क्वायर, सॉरी ये रेक्टेंगल है ना, ये सबसे बिगेस्ट रेक्टेंगल है बेटा, हमको तो बिगेस्ट रेक्टेंगल है ना। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग है ना स्केल लेना और स्केल ऐसे ऐसे बुक को ऐसे ऐसे अच्छे से दबा देना, फिर यहाँ पे स्केल रख के ऐसे अच्छे से कलर से ड्रॉ करना, पिंक कलर या रेड कलर या फिर ब्लैक कलर लेना, और ऐसे एक ही बार में स्केल से आ जाए, ठीक है। तो पता चल गया बिगेस्ट रेक्टेंगल हमने इसके अंदर फाइंड आउट कर लिया ना। चलो अब ये हम लोग देख रहे हैं, ये गेम है ना, ये गेम कौन सी है ना, ये खेल रहे ना वो देख रहे हैं। सी एजेस एंड कॉर्नर्स, हाँ अब आया कुछ नया टॉपिक बेटा। एजेस किसको बोलते हैं पता है, एजेस का मतलब होता है ये जो किनारी है ना, ये बुक की ये जो किनार दिख रही है आपको, दैट इज कॉल्ड एजेस। ओके तो मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर एजेस कौन कौन सा है, ये रहा, हाँ इसको साइड्स भी बोलते हैं राइट, और ओके और ये कॉर्नर है, ये क्या है कॉर्नर। चलो देखते हैं इसके अंदर हम लोग, सी चलो मीता एंड हर फाइव फ्रेंड्स वेर, एक मिनट बेटा, ओके तो एक सेकेंड ना बेटा, ये हाँ गेम प्ले कर रहे हैं ना। चलो तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। मीता एंड हर फाइव फ्रेंड्स वेर प्लेइंग अ गेम। ओके देखो मीता कहाँ है, वेर इज मीता, यस ये रहा मीता एंड हर फाइव फ्रेंड्स है ना, 1 2 3 4 और ये 5, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं उसके, छोटू गुड्डू बंटी टिंकू एंड राजा है ना, ये राजा है ना, ये छोटू गुड्डू बंटी एंड टिंकू, टिंकू ने देखो आंखों पे पट्टी बांधी है ना राइट। तो मीता एंड हर फाइव फ्रेंड्स वेर प्लेइंग अ गेम, टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड while the others would move round a table. Okay, अच्छा बेटा ये गेम हमने भी प्ले किया होगा ना, मतलब ये जो है ना ये आंखें उसने पे पट्टी बांध दी ना ब्लाइंड फोल्ड, हाँ यानी आंखों पे पट्टी बांध के वो बेचारा अंधा बन गया है, ब्लाइंड हो गया है, अब वो क्या करेगा क्लैप्स करेगा ना, देन क्लैप्स के बाद क्या होगा, जैसे उसकी क्लैप्स स्टॉप हो जाएगी ना, ये जैसे ही क्लैप्स स्टार्ट होगी ना, ये सारों को ना ये टेबल के आजू बाजू में मूव होना है, राउंड घूमना है, ऐसे जैसे इनकी क्लैप्स बंद होगी ये सबको खड़े रहना है। अब देखो ये कॉर्नर पे आ गए, ये भी कॉर्नर यानी कॉर्नर पकड़ना है, टच करना है राइट। अब ये भैया जो है ना गुड्डू भैया बीच में आ गए, यानी इन्होंने कॉर्नर पकड़ा नहीं, यानी शॉर्ट में ये सब लोग मूव हो रहे हैं, जैसे ही मतलब ये क्लैप्स बंद करेगा ना स्टॉप करेगा, तो इनको जहाँ है वहीं पे खड़े रहना है राइट। नाउ टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड वाइल द अदर्स वुड मूव राउंड द टेबल, द मोमेंट टिंकू स्टॉप्ड क्लैपिंग एवरीबडी वुड स्टॉप Wherever they were, okay, जैसे ही स्टॉप करेंगे ना तो इन लोगों सबको जहाँ भी है ना वहीं पर उन लोगों को क्या कर जाना है स्टॉप, Wherever they were, जहाँ पर भी है वहीं पर उनको स्टॉप, ओके स्टॉप हो गए थे राइट। द चाइल्ड हु वॉज नॉट एट अ कॉर्नर वुड बी आउट, ओके जो बच्चा कॉर्नर पर नहीं है ना वो क्या हो जाता है आउट, यस वो आउट हो गया था, देन शी वुड बी ब्लाइंड फोल्डेड, ओके और मतलब कि जो भी मतलब है ना ओके उसको क्या बनाया जाएगा फिर समझ गए ना, तो वो आउट हो जाएगा निकल जाएगा, फिर उसका नंबर आएगा वो ब्लाइंड फोल्डेड। ओके चलो अब हमको कुछ क्वेश्चन दिया है, सी लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव, ओके तो हमने पिक्चर देख लिया राइट, कैन यू टेल हु इज आउट, क्या आप इसको देख के बता सकते हो आउट कौन हो गया है, यस ऑब्वियसली देखो ये राजा तो ये कॉर्नर पे खड़ा है, छोटू ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन दिस साइड राइट, एंड ऑल्सो बंटी भी कहाँ पे खड़ा है, बंटी ऑल्सो स्टैंड ऑन दिस कॉर्नर, एंड ऑल्सो मीता हियर, देन कौन आउट हो गया है, हु इज आउट, गुड्डू इज आउट राइट।
तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, कैन यू टेल हु इज आउट, यस यस गुड्डू गुड्डू इज आउट, ओके वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू कहाँ पे खड़ा है, तो गुड्डू इसका आंसर हम लिखेंगे गुड्डू नाउ, ओके गुड्डू कहाँ पे खड़ा है, तो हम लोग इसका आंसर, देखो बेटा इसको नोटबुक में करना है, ये आंसर आप लोगों को क्वेश्चन नोटबुक में लिखना है, ऊपर पर लिखना एजेस एंड कॉर्नर्स एंड क्वेश्चन ए, क्वेश्चन लिखना है देन आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, यस गुड्डू इज आउट, ओके सेकंड वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, तो अभी मैंने क्या बताया, गुड्डू इज स्टैंडिंग मिडल ऑफ द टेबल ऑफ द मिडल एज, ओके ये टेबल के मिडल में खड़ा है ना, वो भी एज है ना, एज अभी मैंने बताया ना एज, बेटा शॉर्ट में ना इसको हिंदी में हम लोग इसको धार बोलते हैं, धार, अब देखो ये है ना इसकी साइड हुई, ओह शिट एक मिनट, हाँ देखो भैया अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बेटा मैं ये बता रहा था, सी ये है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको फेस भी बोलते हैं साइड भी बोलते हैं, लेकिन ये जो आपको किनारी दिख रही है, हाँ बेटा आवाज़ आ रही है ना, कुछ एक्चुअली है ना ड्रिल मशीन चालू है ना, इसीलिए आप लोग है ना मेरी वॉइस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके बेटा अब वो तो कुछ तो प्रॉब्लम्स तो रहने वाली है ना, अब मैं अभी क्या कर सकता हूँ, वो अभी कुछ वर्क चल रहा है ना, तो उसके लिए वो ड्रिल मशीन आता है ना जिससे हम लोग वो वॉल में छेद करते हैं ना, वो मशीन अभी चालू है ना, मैंने मतलब काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन बेटा अब मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, ओके चलो आप यहाँ पे ध्यान दो, तो ये है ना ये धार है इसकी, ठीक है दैट इज़ कॉल्ड एजेस, इसको क्या बोलते हैं एज, हाँ ये देखो यहाँ पे ये दिख रही है, ये एजेस हुआ, ये मेरी पेंसिल जहाँ मूव हो रही है ना दैट इज़ कॉल्ड एजेस, इसको एज बोलते हैं, और ये ना इसकी साइड हुई, ये साइड है, ये एज हुआ, ये एजेस है, ओके तो सेम, तो मैंने क्या लिखा है, मिडल टेबल है उसके मिडल एज में, देखो ये मिडल में ही खड़ा है ना ये दोनों के से, चलो अगेन कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल, वाई नहीं, तो हम लोग ये गेम राउंड टेबल पे नहीं खेलते क्योंकि राउंड टेबल में एजेस होती नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो दिस गेम cannot be played around table, okay got it, ये जो है ना बेटा, okay चलो अब दिख रहा है आपको question का answer, okay चलो अब अच्छे से दिखेगा, no this game cannot be played around because round table तो बेटा ages होता, तो सब लोग घूमते रहेंगे, ये क्लैप्स बंद करेगा तो भी जो जहाँ खड़ा है वहीं पे खड़ा रहेगा, तो कहीं भी ऐसे कॉर्नर्स मिलेंगे नहीं, many things around us have straight edges for example, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे आजू बाजू में कि जिनकी स्ट्रेट एजेस होता है, स्ट्रेट यानी एकदम सीधा, राइट जैसे कि अभी मैंने आपको बुक बताई ना, देखो ये बुक की ये धार है ना दैट इज कॉल्ड एज, फिर ये भी दिख रहा है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ओके देन चेयर, तो चेयर में भी ये दिख रहा है आपको, ये एज है, ये है ना इसको एज बोलते हैं, राइट देन आपने काइट देखी ना, तो काइट में ये जो है ना ये इसको भी एजेस बोलते हैं, ये भी एज है, राइट गॉट इट ऑल ऑफ यू, चलो अब ये कुछ डिफरेंट शेप्स है, देखो अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस फॉर एग्जाम्पल, अब कर्व्ड एजेस का मतलब क्या होता है बेटा, राउंड शेप, ओके गॉट इट, कर्व्ड शेप का मतलब क्या होता है, राउंड, ओके जैसे ये आपको चारों दिख रहा है, हाँ अभी हम लोग को बोले राउंड टेबल के आजू बाजू हम लोग ये गेम खेल सकते हैं, नो वी कैन नॉट प्ले दैट गेम ऑन द राउंड शेप बिकॉज दैट राउंड शेप में कोई एजेस होता नहीं है, दैट्स वाई कि वी कैन नॉट प्ले दैट गेम ऑन द राउंड शेप, ओके सी ये दिख रही है आपको, ये व्हाट इज दिस, कौन बताएगा, ये थाली है, ये जिसके अंदर हम लोग खाना खाते हैं, राइट डिश है ना, डिश है ना, बिगेस्ट डिश है, तो ये देखो इसको एजेस बोलते हैं, ये भी राउंड है ना उसको एज बोलते हैं, चलो अब कुछ क्वेश्चन हमको किया है, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, ओके आजू बाजू में देखो और हमको पता, आजू बाजू में देखो मीन्स की हमारे यहाँ पे जैसे पहचान में हो ना ऐसी कौन कौन से जो स्ट्रेट और कर्व्ड एजेस हो, तो देखो मैं इसका आंसर अभी आपको बता रहा हूँ, सी बेटा थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस, नोटबुक
मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है ना, टेबल, ठीक है। मैंने अभी इसके अंदर थ्री थिंग्स लिखी है, थ्री थिंग्स आपको लिखनी है। मम्मी पापा को पूछना कि मम्मी जिसका स्ट्रेट हो ना, स्ट्रेट एजेस, वो हमको नाम बताओ। मुझे तो पता है लेकिन बेटा वो आपको फिर करना है, ठीक है। देखो हम लोग कंपास बॉक्स भी लिख सकते हैं लेकिन कंपास बॉक्स बेटा नहीं आएगा क्योंकि उसका थोड़ा शेप कर्व्ड होता है, राइट। फिर टेबल भी मैंने लिख दिया है, मॉनिटर भी मैंने, नोटबुक भी लिखा। आप अब सोचो, देखो एक और मैं बता दूँ, हमारा किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है कि नहीं, जिसके ऊपर मम्मी ने गैस का वो सगड़ी बोलते हैं ना, जिसका क्या बोलते हैं उसको, बर्न, हाँ यस, तो वो हमने रखा है ना, यस ओके, गैस स्टोव होता है ना जिसके ऊपर रखा है, वो भी आएगा। फिर हमारा जो वॉल है ना घर की, वो भी आएगी, ओके। मैंने दो दिक तो बता दी, और भी आप सोच के लिखना। थिंग्स विथ कर्व्ड एजेस, जिसका ऐसे अराउंड में ना कर्व्ड है ना, तो लेमन, बॉल, कोकोनट, और भी आपको थ्री थिंग्स, टोटल सिक्स इसमें, टोटल सिक्स इसमें, थ्री थिंग्स मैंने लिखा, थ्री यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसको भी नोटबुक में लिखना है बेटा, ओके। तो आज का हमको नोटबुक में क्या क्या लिखना है पता है? देखो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं करना है, ओके। करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर तो नोटबुक में लिखना ही है आपको, ओके। ये बुक में ही करना है, सिर्फ ओनली बुक में, ये भी बुक में करना है, ये क्वेश्चन आंसर भी मैंने बताया, ये नोटबुक में लिखना है, होमवर्क में, ठीक है, क्लास वर्क में नोट भी लिखो, वो भी ओके, देन ये भी लिखना है। चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स, जो स्ट्रेट एजेस है ना उसको कॉर्नर्स होते हैं, येस ऑब्वियसली होते हैं। देखो ये स्ट्रेट है ना, देखो ये स्ट्रेट है, ये है कि नहीं स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट है ना, तो इसको कॉर्नर से, हाँ है ना, देखो कितने कॉर्नर से, इसको 1, 2, 3, 4, 5 and 6, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको सिक्स कॉर्नर से, तो बेटा ये पता है कौन सा शेप है, सिक्स हो ना, इसको हेक्सागन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्सागन। इसको कितने हैं कॉर्नर्स, देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो। डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स, जिसकी स्ट्रेट एजेस होती है क्या उसके कॉर्नर होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं ना। ये टेबल के आजू बाजू देखो, टेबल को एजेस है ना, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट एजेस, तो इसके कितने कॉर्नर्स है, देखो 1, 2, 3, 4 कॉर्नर्स है। सेम यहाँ पर देखो, ये स्क्वायर है ना, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट एजेस, इसको देखो फोर कॉर्नर से। सेम थिंग ये चेयर को देखो, तो चेयर को भी है ना कॉर्नर, देखो 1 कॉर्नर 2, फिर यहाँ पे ये 3, फिर यहाँ पे ये 4, बहुत सारे कॉर्नर से, बुक में भी है, काइट में भी है, तो इसका आंसर यह क्या आएगा, हाँ क्या लिखेंगे इसका आंसर, चलो यस, एक और क्वेश्चन देख लो पहले। डू द थिंग्स विथ कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स, अच्छा कर्व्ड एजेस हो उसके कॉर्नर्स होते हैं, नो। ये रहे हमारे सामने ये व्हील है ना, व्हील, ये जो रथ होते हैं ना बेटा, राजा लोग, किंग लोग बैठते थे ना, या फिर हमारे गांव में भी आपने देखा है बुलक कार्ट ना, फिर कैमल कार्ट, ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी देखी है आपने, हाँ, तो वो कार्ट जो होता है ना, वो कार्ट का ये पहिया लग रहा है ना, व्हील है उसका, ये थाली है, तो ये देखो राउंड में, तो ये कर्व्ड एजेस है ना, उसको कॉर्नर्स होते नहीं है, ओके। तो ये दोनों का आंसर हम लोग लिख रहे हैं अभी, देन सी हियर, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया बेटा, यस द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स, ओके। फिर इसका हमको कर्व्ड का पूछा था ना, नो द थिंग्स विथ कर्व्ड एजेस हैव नॉट कॉर्नर्स, ओके। फिर क्या लिखा, ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, यानी स्ट्रेट भी हो और कर्व्ड भी हो, ऐसी थिंग्स के नेम बताओ, तो मैंने इसका आंसर लिखा है, द थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, कौन कौन से, तो गिटार, आपने इलेक्ट्रिक गिटार देखा है, गिटार, यस गिटार होता है ना, ये टिन 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 टिन, ऐसे ऐसे गिटार होता है, टिन 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 ऐसे बजाते हैं ना, दैट इज़ गिटार। फिर क्या लिखा मैंने, कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स अभी मैंने बताया ना, एक्चुअली अभी मेरे पास है नहीं, मतलब ऐसे स्ट्रेट होता है, फिर ऐसे राउंड होता है ना, कर्व्ड होता है। फिर मैंने लंच बॉक्स लिखा है, लंच बॉक्स देखा है ना आपने, यस। फिर है ना हम लोग वो भी लिख सकते हैं बेटा, और भी मतलब चीज़ लिख सकते हैं, आप लोग सोचो ठीक है, और फिर इसको भी लिखो ठीक है। और मैंने थ्री थिंग्स लिखे ना, और आप टू और थ्री लिख सकते हो, ओके। अब एक एक्टिविटी दी है ना, तो ये एक्टिविटी जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो आज हमने ये चीज़ देखी ना, देखो एक्टिविटी, चलो अपने देख लेते हैं, कोई वादा नहीं, देखो यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी टाइम, टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, अच्छा तो ये है ना आपको एक पेपर लेना है, नाउ सी चिल्ड्रन, मैंने एक पेपर ले लिया है ना, तो टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, तो ये मैंने पेपर देखो रेक्टेंगुलर ही है ना, दिख रहा है ना सबको, देखो रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर नहीं है, दिख रहा है, काउंट इट्स कॉर्नर, ओके, तो इसके कॉर्नर्स काउंट करो, चलो जल्दी से फटाफट, देखो फोर कॉर्नर्स है, कितने, देखो ये 1 कॉर्नर, देन ये 2, देन ये 3 और ये 4, कितने कॉर्नर्स है बेटा,
फोर कॉर्नर्स, ओके, नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ओके, इस तरह से एक कॉर्नर को फोल्ड करो, तो ये देखो ये कॉर्नर है ना, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, सेम एज विच इज़ गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, देखो मैंने इसी के जैसा फोल्ड किया, दिख रहा है, इसी के जैसा फोल्ड किया ना मैंने, ओके, फोल्ड कर दिया, नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर मैंने कर दिया, हाउ मैनी कॉर्नर्स डट इट हैव नाउ, कितने कॉर्नर से उसको जिसको हमने फोल्ड किया है, हाउ मैनी कॉर्नर्स डट इट हैव नाउ, अब कितने कॉर्नर से, तो ओके आप देखो कितने कॉर्नर, ये नहीं बेटा, ये नहीं, अब कितने, देखो ये वन कॉर्नर हुआ है ना, वन टू थ्री देन फोर एंड फाइव, अब कितने कॉर्नर्स हो गए, फाइव, तो इसका लिख दो कितने हो गए, फाइव कॉर्नर्स, इसको लिखना नहीं है, नोटबुक में नहीं लिखना है, इसको इसी के अंदर खाली लिखना है ये, हाँ एक्टिविटी टाइम, इसको आपको बुक में नहीं करना है, नोटबुक में नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग, अच्छा ये जो मैंने फोल्ड किया ना, तो इससे मुझे कितने कॉर्नर्स मिले, ये हाँ कितने कॉर्नर्स, देखो ये पहले सीधा था ना, तो ऑनली ये वन कॉर्नर था, जैसे मैंने इसको फोल्ड किया ना, अभी टू कॉर्नर्स मिले ना, वन एंड टू, कितने मिले, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया है, टू कॉर्नर्स, थ्री कॉर्नर्स की, फोर कॉर्नर्स, हमको टू कॉर्नर्स, देखो ये रहा वन एंड, यहाँ पे देखोगे तो भी पता चलेगा, देखो टू कॉर्नर्स है ना, फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। नाउ अगेन क्वेश्चन, कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज़ ओनली थ्री कॉर्नर्स, यू आर अलाउड ओनली टू फोल्ड्स, ओके, कि आप ये पेपर को इस तरह से फोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से कि उसके सिर्फ थ्री कॉर्नर्स ही बन जाए, कितने कॉर्नर्स बन जाए ओनली, देखो अभी फाइव कॉर्नर्स है, देखो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, अरे पेपर भैया कहाँ जा रहे हो, देखो बेटा ये खोल दिया तो कितने कॉर्नर से फोर, क्या लिखा है, आप ओनली दो बार फोल्ड कर सकते हो, ओके, तो देखो ये मैं खाली सिर्फ एक ही बार फोल्ड कर रहा हूँ, ओनली वन टाइम फोल्ड किया मैंने, और फिर ये टू टाइम, हमको बोला है ना आप लोग से, आप सिर्फ टू टाइम्स ही फोल्ड कर सकते हो, तो देखो मैंने क्या किया पता है, फिर से मैं आपको बताऊं, देखो ये है ना एक्सेल टी, मैंने ये लाइन टू लाइन यानी कि ये जो एजेस है ना उसके बराबर आ गया, ओके। चलो अभी देखो ये पेपर है ना, ये पेपर को मैं अंदर डाल देता हूँ, देखो ये जहाँ से हुआ है ना वहीं पर अंदर डाल देता हूँ, हाँ ऐसे दिख रहा है आपको, यस, ओके, फिर इसको मैंने ऐसे किया, देखो क्या लिखा है, थ्री कॉर्नर्स बननी चाहिए, नाउ थ्री कॉर्नर्स है ना, वन टू थ्री, थ्री कॉर्नर्स हो गए, मैंने क्या किया पता चला सबको, पहले देखो ये पहले था ऐसे रेक्टेंगल, इसको ऐसे किया, ये जो हिस्सा जो बाहर निकल गया है ना उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, अंदर डालने के बाद फिर से इसको ऐसे कर दिया, तो देखो ये मैंने कर दिया, अब कितने कॉर्नर्स हुए, ओनली थ्री, वन टू थ्री, रिपीट द एक्टिविटी विथ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, अब यही चीज़ है ना, आपको स्क्वायर पेपर बना के ये घर पे आपको करना है, यू आर ओके, व्हाट शेप विल यू गेट, तो यहाँ पे लिखना है आई गेट ट्राइंगल, ये एन है ट्राइंगल शेप, कौन सा शेप मिला हमको, ट्राइंगल शेप मिला ना बेटा, ओके। तो चलो बेटा आज का होमवर्क मैं यही दे रहा हूँ, ये अभी जो नोटबुक में लिखना है ना वो एंड इन द वर्कबुक क्वेश्चन नंबर वन, ओके। ये देखो बेटा ये आए ना आपको तो करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है मैं करवा दूंगा, लेकिन ये तो कंपलसरी करना है, सेकंड क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है। देखो काउंट द राइट कर्व्स कॉर्नर्स, ओके, एंड लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, इसमें कितने कॉर्नर्स है और कितने कर्व्स है, देखो इसमें कर्व्ड है, इसमें नहीं है ना, ओके, गॉट इट, तो पता चल गया आपको, ओके, एंड यू ऑल हैव टू राइट दिस इन वर्कबुक, ओनली क्वेश्चन नंबर टू इन हियर, ओके बेटा। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।